हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। तो आज हम देखेंगे फ्री स्टॉक स्क्रीनर, या कह सकते हो स्टॉक स्कैनर, या फिर कह सकते हो बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग भी इसका हो सकता है, राइट। तो इसमें आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, स्टॉक स्क्रीनर भी है, यानी आपको बाय सिग्नल सेल सिग्नल भी देगा और उसका बैक टेस्टिंग भी आपको बताएगा, वो भी 1990 से, यानी जब से स्टॉक लिस्टेड है। कई स्टॉक्स 1990 से ये दिखा रहा है, राइट, कई स्टॉक्स में दिखा रहा है, तो देखेंगे अभी फिलहाल। पर यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब से वो स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से लेके आज तक का आपको रिजल्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक। और आज मैं दिखाना चाहूँगा, मैं आपको ले चलता हूँ कोई भी एक स्टॉक पे, तो रिलायंस पे चलते हैं। ओके फाइन। अभी फ्रेंड्स, आपको मान लीजिए आज मैं आपको जो एक स्ट्रेटजी आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, राइट, उसका स्क्रीनर क्या है, कैसे आपको रन करना है, उसका मैं आपका, ये पार्ट वन है हमारा। ओके, तो आज मैं आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि वो आप कैसे देख सकते हो। ओके, और नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द कल या परसों ही बनाऊंगा, तो तब तक आप भी इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं आज मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि स्ट्रेटजी टेस्टर में यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर, स्ट्रेटजी टेस्टर। ओके, फिर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी डायलॉग बॉक्स। ओके, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बिल्ट इन्स में मैं जा रहा हूँ। अभी जहां जहां पे स्ट्रेटेजी लिखा है दोस्तों, जैसे कि बार अप डाउन स्ट्रेटेजी, बॉलिंगर बैंड स्ट्रेटेजी, मैं आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी अभी फिलहाल ऐड करके दिखाऊंगा, बॉलिंगर बैंड स्ट्रेटेजी, राइट, डायरेक्टेड। ऐसे जहां जहां पे ये पीछे ग्रीन और रेड एरो है, सॉरी रेड फर्स्ट है, तो रेड फर्स्ट ग्रीन बाद में, राइट। तो वो जो है दोस्तों स्ट्रेटेजी, वो चीज़ आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अभी फिलहाल पार्ट वन में ये दिखा रहा हूँ, फिर मैं इंडिकेटर वाला भी दिखाऊंगा। ओके, तो जहां जहां पे ये स्ट्रेटेजी है वो आप यूज कर सकते हो। चलिए, आज पार्ट वन में इंट्रोडक्शन के साथ आपको एमएसईडी स्ट्रेटेजी बता ही देता हूं। अभी एमएसईडी में मैं जैसे ही ऐड करता हूं, देखिए एमएसईडी स्ट्रेटेजी, अभी देखिए दोस्तों, मैजिक इज हियर। ओके, यू कैन सी दिस इन द स्ट्रेटेजी दिस विंडो, राइट, स्ट्रेटेजी टेस्टर विंडो। अभी उसके लिए मैं बता दूं कि ये इसने रिजल्ट कैसे, एंट्री और एग्जिट, लॉन्ग और शॉर्ट कैसे बनाई है, तो वो भी जानना जरूरी है, उसके बिना तो किसी मतलब का है ही नहीं है। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, एमएसईडी मैंने ऊपर ऐड की है, थोड़ा छोटा दिखेगा तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, पर फिर आपको दिक्कत ना हो उसका मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अभी एक सिंपल चीज है, ये इंडिकेटर मैं नहीं रखूंगा तो ये नीचे रिजल्ट दिखेगा और ऊपर आपको सिर्फ रेड एरो, राइट, इट इंडिकेट शॉर्ट एंट्री, ग्रीन एरो इट इंडिकेट्स बाय एंट्री। ओके, और रिलायंस में ये डेली चार्ट है, सॉरी 1 मिनट, ये 30 मिनट्स चार्ट है, राइट, तो 30 मिनट्स चार्ट पे अभी रखा है, आप डेली चार्ट पे भी कर सकते हो ऐसे। ओके, तो डेली चार्ट पे मैंने इसको कर दिया है। अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गलती से क्लियर ऑल कर दिया है, क्योंकि वो सब लिखा हुआ था, ड्रॉइंग की कोई ज़रूरत थी नहीं, तो मैं वापस ऐड कर देता हूँ एमएससी, राइट, और एमएससीडी स्ट्रेटजी। ओके फाइन, तो अभी आप देख सकते हो कि रिलायंस में आप यहाँ पे एमएससी, यहाँ पे सेल सिग्नल दिखा रहा है, तो वो कैसे दिखा रहा है वो सब तो मैं एक्सप्लेन पहले मुझे करना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ काम का नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही ये आप देख सकते हो कि ये बाय एरो आया, तो वो तो शाम को पता चलेगा। फिर ये नीचे जब स्ट्रेटजी टेस्टिंग में जो ट्रेड देख रहे हो वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है, तो मैं बता देता हूँ अभी फिलहाल, फिर उसमें क्या चेंज हो सकता है वो बाद में देखेंगे। अभी आज के पार्ट में मैं आपको जो रेडीमेड है उन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया है वो मैं बताता हूँ। एरो आने के बाद नेक्स्ट डे ओपनिंग प्राइस पे उन्होंने एंट्री कंसीडर की हुई है, लॉन्ग की, राइट, और शॉर्ट की एंट्री उन्होंने, जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री आती है फिर नेक्स्ट डे ओपनिंग पे उन्होंने शॉर्ट की एंट्री, आपको वो प्राइस को उन्होंने कन्फर्म किया है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूँ, ये नीचे एमएससीडी इंडिकेटर आप देख लीजिए, जहाँ पे ये डाउन एरो आता है, सॉरी क्रॉस ओवर होता है एमएससीडी में, राइट, मैंने पैरामीटर रखा है 12:26, तो ये बैरिश क्रॉस ओवर पे एरो नहीं है, ये नेक्स्ट डे आप देख सकते हो बैरिश क्रॉस ओवर के बाद यहाँ पे है, राइट। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे उन्होंने उसको कंसिडर किया हुआ है, इवन यहाँ पे एरो भी है जो आपको दिखा रहा है, राइट, तो इस हिसाब से भी आपको ये अंदाजा लग जाएगा। देखिए ये डाउन एरो की, ओके, तो ऐसे यहाँ पे अप और डाउन एरोज उन्होंने हमें दिए हुए हैं, राइट,
अभी मैं आपको डेटा विंडो में ले चलता हूँ जिससे आपको पता चलेगा। पहले देख लेते हैं लास्ट जो लेटेस्ट ट्रेड है उसका मैं प्राइस दिखाऊंगा। अभी देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो 1994 से इन्होंने कंसीडर किया हुआ है। एमएससीडी स्ट्रेटेजी है, यहाँ से आप देख लीजिए, एमएससीडी स्ट्रेटेजी है, सेटिंग्स के ऑप्शंस भी है, ओके। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू चेंज इट, राइट। यहाँ पे उन्होंने ऐड अलर्ट भी डाला हुआ है, ओके। तो आप अलर्ट भी डाल सकते हो सो पॉपअप, राइट। तो जब भी आपकी जो स्ट्रेटेजी के सिग्नल मिलेंगे आपको वो पॉपअप भी करेगा। तो एक बार आप भी बैक टेस्टिंग कर दीजिएगा, कुछ भी दिक्कत हो तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओवरव्यूज़, तो ओवरव्यूज़ में आपको ऐसे यहाँ पे इसका क्या परफॉर्मेंस है, नेट प्रॉफिट अभी रिलायंस का यहाँ पे दिखा रहा है 0.24% ओनली, राइट। टोटल क्लोज ट्रेड 489, परसेंटेज प्रॉफिट 38.24%, यहाँ पे ऐसे आपको सब दिख रहा है, ओके। आप ज़रूर देखिएगा इसको, अभी मैं फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर दिखा रहा हूँ, ओके। क्योंकि तब जब तक मैं इस पर पूरा और रिसर्च करूँ तब तक आप भी इसमें रिसर्च कीजिए, राइट। तो टाइम अपना वेस्ट ना हो, और आप किस शायद इस चीज़ की तलाश में हो तो आपको ये चीज़ मिल जाए, वही मेरा अभी फिलहाल वो है। तो आज इंट्रोडक्शन का पार्ट है, पर उसके साथ मैं आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया है कि भाई एमएससीडी है तो इसमें इन लोगों ने ऐसे कंसिडर किया है। बाकी इसमें हम डिटेल में वापस जाएंगे नए पार्ट में, पर अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको पूरा व्यू यहाँ पे मिल जाएगा। परफॉर्मेंस समरी, तो उसमें भी आपको नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, राइट, ग्रॉस लॉस सब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, लॉन्ग शॉर्ट, ओके। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको आइडिया आएगा। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स तो आप देख सकते हो 1994 से, राइट। अभी आपको कोई भी स्ट्रेटजी ऐड करने के बाद आपको जानना हो तो आप जो रिसेंट ट्रेड है उसमें देखिएगा कि भाई ऊपर एरो है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस हिसाब से दिया गया हुआ है, राइट। तो एंट्री शॉर्ट ऑन 4th August 2020 एट 2020.60 यानी 2020.60। तो अभी देखिए दोस्तों, क्रॉस ओवर तो इसी दिन आ चुका था, राइट, 3rd August को, पर उन्होंने यहाँ पे डाउन एरो की नेक्स्ट डे दिखाया है, ओके। और ओपनिंग प्राइस जो है इसका, आप ये डेटा विंडो में देखिएगा, यहाँ पे 2020.60 दिया है, यानी शॉर्ट उनका क्रिएट हुआ है 2020.60 में, राइट। तो मैंने इस हिसाब से लास्ट ट्रेड, कोई भी स्ट्रेटजी आप ऐड करोगे तो उसका ऐसे आपको जाना पड़ेगा लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में, और उसमें जो रिसेंट ट्रेड है वो आप देखिएगा, तो वो एंट्री प्राइस आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने ओपन से बेचा है, बेचा है, ओके। तो आपकी स्ट्रेटजी का रिजल्ट आपको मिल सकता है। अभी फिलहाल रेडीमेड स्ट्रेटजी जो है उसका मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, राइट। तो इस हिसाब से आपको ये स्ट्रेटजी टेस्टर अभी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर डिटेल वीडियो इसमें ज़रूर बनाएंगे, राइट। अभी ये स्ट्रेटजी को आपको चेंज कर देनी है तो आप कर सकते हो फ्रेंड, ऊपर जो हमने ऐड किया है उसको ऐसे अब डिलीट कर दीजिएगा। आई एडेड 2 times बाय मिस्टेक। अभी देखिए, अभी पूरा आपका विंडो क्लियर हो गया है, अभी एमएससीडी की स्ट्रेटजी का काम तमाम हो गया है, राइट। सो इफ़ यू वॉन्ट टू टेस्ट समथिंग न्यू देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द स्ट्रेटजीज। फिर बिल्ट्रींस में जाना है, राइट। अभी बार अप डाउन स्ट्रेटजी है, तो ये सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, तो ऐसे बार अप डाउन स्ट्रेटजी आप डाल सकते हो, ओके। और ऊपर भी देखो ऐड हो गया है, राइट। अभी उसका भी पूरा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। उसके भी लिस्ट ऑफ ट्रेड्स और वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, राइट। इसमें भी आप लास्ट ट्रेड देख सकते हो 18th August को, यानी यहाँ पे है, राइट। अभी इन्होंने बार डाउन बार अप उसी हिसाब से कुछ बनाया हुआ है, राइट। तो ये मैं सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर स्ट्रेटजी क्या है वो भी हम इसका ऑपरेशन जरूर करेंगे, ओके। सो दिस वे यू कैन टेस्ट, और मैं चाहता हूँ कि मैं नया वीडियो बनाऊँ, राइट। मेरा PhD शुरू हो चुका है इसमें, तो तब तक ये सब जितनी जितनी बिल्ट इन में स्ट्रेटजी है एक बार डाल दीजिएगा और अपना काम कर सकते हो, इवन इंडिकेटर डाल के भी कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको जो जो स्ट्रेटजी उन्होंने रेडीमेड रखी है उसी का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। चैनल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, राइट, कंजिक्यूटिव अपडाउन स्ट्रेटजी, इतनी जो भी स्ट्रेटजी है वो आप पहले स्कैन कीजिए, फिर नया वीडियो मैं आपको इंडिकेटर पर भी बनाऊंगा, और उनका एक दूसरा ऑप्शन है पाइन एडिटर, तो उस पर भी थोड़ा अभी मेहनत कर रहा हूँ। ये इतना आसान अभी फिलहाल मेरे लिए नहीं है, ये न्यू है, क्योंकि मैं तो सालों से फॉक्स पे और उस पर ही मैं वर्क कर रहा हूँ फॉक्स पे, तो अभी मैं सिर्फ आपके लिए सीखूंगा ये सब पूरा, ठीक है। तो अभी फिलहाल स्ट्रेटजी टेस्टर में नया वीडियो बने तब तक के लिए स्ट्रेटजी जिसमें जाके एक बार कीजिएगा, इंडिकेटर्स ऐड करके भी अगर आपको पता चल जाता है तो वो चीज़ भी आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। पर अभी फिलहाल मैं आपके लिए सिर्फ लेके आया हूँ स्ट्रेटजी जो ऑलरेडी मेड है उसको कैसे टेस्ट करना है, राइट। इंडिकेटर वाला मैं उस पर नया वीडियो मेरा बन रहा है, राइट। अभी फिलहाल जो रेडीमेड स्ट्रेटजी है, बार अप डाउन स्ट्रेटजी, ऐसी जितनी जितनी जिसके पीछे दो एरोज है, बॉलिंग एयर बैंड स्ट्रेटजी, राइट, बॉलिंग एयर बैंड स्ट्रेटजी डायरेक्टेड,
ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी पे आप अभी तुरंत प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्टरी था दोस्तों, क्योंकि आप ना इसके तलाश में जरूर होंगे, मुझे पता है क्योंकि मैं भी इसकी तलाश में था, राइट। तो आज का वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सो दिस वे यू कैन यूटिलाइज दिस स्ट्रेटेजी टेस्टर, राइट, फॉर यू नो फॉर लुक्रेटिव वे, राइट। तो ये आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, राइट। सो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो ये ट्रेडिंग व्यू का डेमो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।